इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है, जिसमें 370 बहाल करने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें विधानसभा में अब इस बाबत जय श्री राम के नारे तक लग गए। प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ, बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा, 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ, विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगे, प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। तो मैं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हंगामे की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही प्रस्ताव पास किया गया 370 को लेकर, वैसे ही विपक्ष ने बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, 5 दिनों का ये छोटा सा सत्र था, लगा था कि तमाम चीजें जो हैं वो उसमें विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन पहले दिन से लेकर हम अभी तक देखें सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा। और आज का दिन तो बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जैसे ही 370 का जिक्र आया, उसी को लेकर बीजेपी का हंगामा अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी? देखिए, आज का दिन काफी ज्यादा उठा पटक वाला रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिप्टी सीएम बनाए गए सुरेंद्र चौधरी ने 370 की बहाली को लेकर एक सप्लीमेंट्री बिल जो है वो लाकर पेश कर दिया स्पीकर के पास, जिसे तुरंत स्पीकर ने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके बाद वो बिल जो है वो पास कर दिया जाता है। धारा 370 की बहाली को लेकर कमिटमेंट अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी और कई बार वो पहले कह चुके थे कि जब भी उनकी सरकार बनेगी तो ये रेजोल्यूशन लाएगा। हालांकि अब अपने दर्शकों को ये साफ करते चले कि इसका मतलब कतई ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर मौजूदा समय में यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ये बिल जो है ये आखिरकार जाएगा एलजी के पास और वहां से रिजेक्ट हो जाना संभाविक है, यानी कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लैंक है एक किस्म से, जिस तरह से पीडीपी ने इसी तरह का एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था 2 दिन पहले, पहले दिन जब सत्र था और उसके बाद उसे एक्सेप्ट नहीं किया था तब स्पीकर ने, लेकिन जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बिल लाया गया एक्सेप्ट किया गया और जैसे इस बिल का मुद्दा आया तो वेल में आना बीजेपी के 28 विधायकों का स्वाभाविक था। वो जय श्री राम के नारे लगाते रहे, वो ये भी नारे लगाते रहे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, यानी कि 370 के ऊपर बीजेपी का स्टैंड है कि 370 अब दफन हो चुका है, कोई दुनिया की ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। देखिए, ये तो हम यही कह रहे हैं दीपांकर, ये तो सभी को पता है कि 370 इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो चुका है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादा किया था उसको यहाँ पर एक खाना पूर्ति के तौर पर हम देखें तो उसमें कोई हाइपरबोल भी नहीं होगा कि ये खाना पूर्ति की गई है, पास कर दिया, जैसे कि आप भी बता रहे कि एलजी के पास जाएगा, जाहिर सी बात है वो खत्म होना निरस्त होना है ही, लेकिन जनता तो सब समझती है, यहाँ पर कुछ और भी पक रहा है क्या? बिल्कुल, जनता सब समझती है और हम आपको बताते चले, जहाँ एक तरफ जम्मू में सड़कों पर बीजेपी है, प्रोटेस्ट की जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के पुतले फूके जा रहे हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता श्रीनगर और जम्मू में जश्न मना रहे हैं। वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वायदा जो है उस पर वो आगे बढ़ गई है, लेकिन इस सबके बीच जो चीज पक रही है वो समझने वाली बात है। इसका नुकसान उमर अब्दुल्ला को हो सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने अगर सरकार जम्मू कश्मीर में चलानी है तो सीधा टकराव जो है वो एलजी के साथ और केंद्र सरकार के साथ उन्होंने ले लिया है। इस सबके बीच क्या रिएक्शन होगा केंद्र सरकार का, क्या रिएक्शन होगा एलजी का, और तमाम छोटे छोटे इश्यूज को लेकर जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी तो उनका क्या हाल होगा, ये आने वाले समय में देखना जो है वो दिलचस्प होगा। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद सॉफ्ट स्टैंड उन्होंने ले दिया था 370 के पर, उन्होंने कहा था कि
जिन्होंने इसे हटाया है उनके पास ये मांग लेके जाना, ये डिमांड लेके जाना कि वो इन्हें बहाल करेंगे, ये इसका कोई तुक नहीं बनती। और हम जो है वो फिलहाल स्टेटहुड पर आगे बढ़ेंगे, स्टेटहुड पर वो आगे बढ़े भी, प्राइम मिनिस्टर को भी मिले। लेकिन अब जब ये तीसरा दिन आज आया तो एकदम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्टैंड जो है वो चेंज किया, यू कर लिया और ये रेजोल्यूशन 370 की बहाली का इंट्रोड्यूस कर दिया। और इसके चलते ऑब्वियसली बात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक बहुत बड़ी खटास सामने आ चुकी है, इसका असर जो है वो पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से समीकरण बदलते रहे तो ये सरकार भी कहीं अस्थिर हो सकती है। हम वही बार बार बात करते, वही जिक्र करते हैं बार बार, ये स्थिति हमें अमूमन वही स्थितियां नजर आ पाती हैं दीपांकर जो इस वक्त दिल्ली में नजर आ पाती है कि दिल्ली सरकार का एलजी के बीच में नहीं बनना, यही कंडीशन अब जम्मू कश्मीर हो जाएगी। अब यहाँ पर 370 के अलावा और भी बहुत चीजें हैं ना, आप उन पर भी काम करिए, आप रोजगार पे काम करिए, आप पर्यटन पे काम करिए, ये एक चुनौतियां हैं, आप इनको पार पाइए ना, ये भी समझना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल सही बात है, सरकार ने ये जो एक स्टैंड ले लिया है, इस स्टैंड के चलते कितना नुकसान सरकार को होने जा रहा है। 200 बिजली यूनिट फ्री का वायदा जो है वो सरकार ने किया था, सरकार ने 1 लाख, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 लाख नौकरियों का वायदा किया था, जम्मू कश्मीर में लोगों को कई और वायदे किए गए थे। लेकिन एक चीज समझनी होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल पावर जो है वो एलजी के पास है, कोई भी इस तरह का मसला जब तक एलजी उससे पास नहीं करेंगे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। अगर आपको 10 लोगों को नौकरी देनी है तब भी वो फाइनेंशियल मैटर आता है, ना तो आपके पास होम मिनिस्ट्री है ना आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो ऐसे में आप यूटी में इस तरह का बड़ा, अगर हम सीधी सी बात करें तो बड़ा पंगा लेकर केंद्र सरकार के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे, ये वही बात है, आपको सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा, तभी तमाम चीजें यूं कह सकते हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम भविष्य में होने वाली है। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।